हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे पेज नंबर 160 वहाँ पे दिया है टेडी बियर। हाउ मेनी टेडी बियर आर अवेक? तो हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है उसमें से ये देखना है कि कितने टेडी बियर जाग रहे हैं और कितने टेडी बियर सो रहे हैं। तो जितने भी जाग रहे हैं उसको काउंट करना है और यहाँ पे सर्कल दिया गया है उसमें उसका नंबर लिखना है। ओके स्टूडेंट, लेट स्टार्ट। चलो यहाँ पे है, देखो ये 1 2 3 और ये दोनों सो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना है? राइट हियर 3 नंबर। फिर उसके नीचे है, देखो यहाँ पे 1 2 ये दोनों जाग रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है हमें राइट हियर 2 नंबर। फिर उसके नीचे है 1, देखो यहाँ पे ये सारे सो रहे हैं और एक ही जाग रहा है, यानी यहाँ पे लिखना है 1। फिर उसके नीचे है 1 2 3 4 5 राइट हियर 5 नंबर। फिर उसके नीचे है, लेट्स काउंट 1 2 3 4 राइट हियर 4 नंबर। ओके स्टूडेंट, ये पेज वैसे आपको कंप्लीट करना है। फिर है पेज नंबर 161, वहाँ पे है सब्ट्रैक्ट एंड कलर फॉलो द कलर कोड। तो यहाँ पे जो हमें सब्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें जो कलर कोड दिए गए हैं वो हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिखा है 2 - 1 इज इक्वल क्या होता है? 1। 2 - 1 इज इक्वल 1। तो 1 नंबर में कौन सा कलर है? ब्लू कलर। तो हमें यहाँ पे 1 लिखना है और ये सारा पिक्चर है उसमें यहाँ पे ब्लू कलर करना है। फिर यहाँ पे लिखा है 4 - 2, तो 4 - 2 क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर इज, यहाँ पे लिखना है आपको 2। तो 2 नंबर में कलर कौन सा दिया गया है? रेड। तो यहाँ पे हमें रेड कलर करना है। फिर उसके बाद है, देखो यहाँ पे 6 - 4 इज इक्वल 2। तो 6 - 4 आंसर इज 2। तो 2 नंबर में रेड कलर है, तो वैसे हमें 2 लिखना है और इसमें रेड कलर करना है। फिर है 5 - 2 इज इक्वल क्या होता है? 3। 5 में से 2 कट करना है, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे? 3 नंबर। तो 3 नंबर में कौन सा कलर है? ऑरेंज। तो हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर करना है। फिर है 4 - 1 इज इक्वल 3। तो 3 नंबर में कौन सा है? ऑरेंज। तो हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर करना है और यहाँ पे लिखना है आंसर इज 3। फिर उसके नीचे है 8 - 4 इज इक्वल 4। 8 में से 4 कट करना है, तो फिर क्या रहता है यहाँ पे? 4। तो 4 नंबर में कौन सा कलर है? येलो। तो हमें यहाँ पे येलो कलर करना है। फिर है 5 - 3 इज इक्वल 2। तो 2 में रेड कलर करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कलर किया है, तो आपको भी वैसे कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है 5 - 1 इज इक्वल 4। 4 नंबर में येलो कलर करना है। ओके स्टूडेंट, फिर उसके नीचे है 7 - 3 इज इक्वल 4। तो 4 नंबर में येलो कलर करना है। फिर है 6 - 2 इज इक्वल 4। तो 4 नंबर में हमें कौन सा कलर करना है? येलो कलर करना है। वैसे कलर करके ये पेज आपको कंप्लीट करना है। फिर है पेज नंबर 163, वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट एंड मैच। तो यहाँ पे हमें जो भी आंसर आता है उसके साथ हमें मैच करना है। तो फर्स्ट वन इज 4 - 2, तो 4 - 2 क्या होता है? आंसर इज 2। तो हमें यहाँ पे इस बलून को हमें मैच करना है। फिर उसके बाद है 8 - 4, तो 8 - 4 आंसर क्या आता है? 4। तो इस बलून को हमें 4 के साथ मैच करना है। एंड थर्ड वन इज 8 - 1, तो 8 में से 1 कट करना है, उसके बाद क्या रहता है? यहाँ पे आंसर आता है 7। तो 7 के साथ हमें मैच करना है। फिर उसके बाद है 7 - 4, तो 7 में से 4 कट करना है, तो कितने रहते हैं? 3। तो 3 के साथ हमें मैच करना है।
फिर उसके बाद है 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 यानी आंसर इज 5। तो इस बलून को हमें 5 नंबर के साथ मैच करना है। ओके स्टूडेंट, फिर है पेज नंबर 164, उसके ऊपर है सबट्रैक्ट। तो यानी यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है, तो पहले यहाँ पे काउंट करना है, फिर यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पे पहले टेडी बियर काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखा है 4। माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ है पिक्चर नहीं है, तो यहाँ पे है 0 इज इक्वल 4 माइनस 0 इज इक्वल क्या होता है 4। 1 2 3 4 काउंट करना है और यहाँ पे हमें लिखना है। उसके बाद है, चलो बॉल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखा है 7। माइनस, यहाँ पे कुछ पिक्चर नहीं है, तो हमें यहाँ पे 0 लिखना है। फिर इज इक्वल, फिर यहाँ पे फिर से काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट हियर 7। 7 माइनस 0 इज इक्वल 7। एंड उसके नीचे है, चलो बेल्स काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, राइट हियर 6। माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इज इक्वल 6 माइनस 0 इज इक्वल 6। तो यहाँ पे काउंट करना है और इधर लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, है पेज नंबर 165, उसके ऊपर भी वैसे ही करना है 0 के साथ। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राइट हियर 9। माइनस क्या आएगा 0 इज इक्वल 9। ओके, तो ये काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। एंड नेक्स्ट 1 2 3 4, राइट हियर 4। माइनस 0 इज इक्वल क्या आएगा 4, क्योंकि 0 है इसीलिए कुछ नहीं कट करना है हमें। फिर उसके नीचे है, देखो सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट हियर 8। माइनस 0 इज इक्वल 8, राइट हियर 8। ये काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद है पेज नंबर 161, वहाँ पे लिखा है सबट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखना है, पहले एक एग्जांपल हमें दिया गया है, तो वहाँ पे हमें लिखना है 4 माइनस 3 इज इक्वल 1। तो यहाँ पे सर्कल में 1 लिखना है और 1 का स्पेलिंग लिखना है। ओके, ओ एन ई 1 ऐसे स्पेलिंग लिखना है। फिर उसके नीचे है 5 माइनस 2 इज इक्वल क्या आएगा, 5 में से 2 कट करना है, फिर आंसर इज 3। तो यहाँ पे 3 का स्पेलिंग लिखना है, क्या होता है THREE, राइट हियर 3। एंड नेक्स्ट 6 माइनस 1 इज इक्वल, 6 में से 1 कट करना है, क्या आंसर आएगा 5। तो 5 का स्पेलिंग क्या होता है FIVE, राइट हियर 5। एंड उसके नीचे है 9 माइनस 3 इज इक्वल 6, राइट हियर 6। 6 का स्पेलिंग क्या होता है SIX, 6। फिर उसके नीचे है 7 माइनस 3 इज इक्वल 4, तो यहाँ पे 4 का स्पेलिंग क्या होता है FOUR, 4। उसके बाद है पेज नंबर 167, तो यहाँ पे भी वैसा ही करना है, जो आंसर आता है उसको हमें स्पेलिंग लिखना है। ओके, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल 1, तो 1 का स्पेलिंग O N E 1, राइट हियर 1। एंड नेक्स्ट 6 माइनस 3 इज इक्वल 3, तो 3 का स्पेलिंग क्या होता है THREE, 3। एंड उसके बाद है 8 माइनस 4 इज इक्वल क्या होता है, 8 में से क्या करना है 4 कट करना है, तो आंसर इज 4। 4 का स्पेलिंग FOUR, 4। एंड नेक्स्ट 4 माइनस 2 इज इक्वल
टू, तो टू का स्पेलिंग टी डब्ल्यू ओ टू, एंड उसके नीचे है सेवन माइनस वन इज इक्वल, सेवन में से वन कट करना है तो क्या आंसर आता है सिक्स, तो सिक्स का स्पेलिंग एफ आई एक्स सिक्स, एंड उसके बाद है नाइन माइनस ज़ीरो इज इक्वल नाइन, क्योंकि कुछ नहीं कट करना है ज़ीरो होता है तो इसीलिए यहाँ पे नाइन लिखना है और नाइन का स्पेलिंग एन आई एन ई नाइन। तो ये सब पेज आपको होमवर्क में करने हैं।